परिजनों और गांव के जिम्मेदार लोगों ने पुलिस पर लगाया बुजुर्ग को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप। देवबंद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भटोल निवासी बचन सिंह के परिवार के लोग अपनी समस्या लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे। पुलिस क्षेत्राधिकारी की गैर मौजूदगी में उन्होंने सिपाही को ज्ञापन देते हुए पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि खेड़ा मुगल चौकी SI और चौकी पर तैनात सिपाहियों पर आरोप लगाया कि वह जबरदस्ती उनके घर में घुस आए और उनके पिता के साथ मारपीट करते हुए गाड़ी में डाल दिया और चौकी पर लाकर शराब निकालने के झूठे मुकदमे में फंसा दिया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया है और उन्होंने SDM कोर्ट में जमकर हंगामा किया। आपका क्या नाम? मेरा नाम बचन सिंह है। आज जो ज्ञापन देगा किस मामले में? ये जो मेरे पिताजी है ना, इनको रात 11 बजे पुलिस उठा के ले आई, ना किसी ने कुछ सूचना दी घर पे और ना कुछ, बस ऐसे उठा के ले आई। जैसे गुंडागर्दी होती है ना देश में आजकल, ऐसे कर रही है, ना किसी को सूचना दी घर में। और कैसे हमने पूछा, जो हमने पूछताछ की चौकी में जाके, तो ये बोलती है कि वारंट हो गए हैं इसके, इसलिए लाए इसको उठा के। तो फिर हमने बोला कि चलो भाई वारंट हो गए तो सुबह जाके मिल लेंगे कोर्ट में। तो जैसे कोर्ट में मिले तो आके उसने मेरे पापा जी के यहाँ पर एक भट्टी का केस लगा, जिसमें कई लीटर झूठा केस था वो, जिसमें कई लीटर वो लगाइए शराब और वगैरह साड़ा वूड़ा भी है उसमें, सब कुछ लगा के और उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो मैंने सबसे पूछताछ की तो मुझे कॉन्स्टेबल संजीव ने ये जवाब दिया कि जो तेरे पे वो कर ल, हम ऐसे ही गुंडागर्दी करेंगे और आगे करते रहेंगे, जो थारे पे होता कर लियो भाई तुम। बहुत दिन हो गए, हमने ये हमारे गांव का एक लक्ष्मीचंद उर्फ डंटर, जिसे झूठे मामले में पुलिस ठहराई, ना कभी उसने दारू काट दी, पी ले कभी कदाक, लेकिन पी तो सारा गांव रहा, और कभी ने ना दारू काट दी ना हमने कभी सुना गांव में अगे दारू काट दे। तो उसे पुलिस जो लाई है झूठे केस में लाई, झूठे केस में लाई जी। उसमें क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं जी, जिन्होंने कार्रवाई चाह रहे हैं जी, उसकी गलत जो लाया है उनके ऊपर कार्रवाई हो।